हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपसे हम शेयर करेंगे। जी हाँ, अप्रैल और मई में आप कौन से प्लांट लाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है और 35 डिग्री टेम्परेचर लगभग हो गया है गर्मी का, और सभी प्लांट बहुत ही अपने जो है जद्दोजहद में लगे हुए हैं और सभी प्लांट थोड़ा डल हो रहे हैं। तो आपको सभी प्लांट को अपने जो सेमी शेड एरिया में रखना है, और कौन से प्लांट आपको ला के अपने गार्डन को सजाना है जो फूलों से भरे रहें। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो को। सबसे पहले हमारा प्लांट आता है गोमफ्रेना का। दोस्तों इस 35 डिग्री टेम्परेचर में आप इस प्लांट को लाएँगे, नर्सरी से परचेज करेंगे या फिर आप सीड द्वारा इसको जनरेट करेंगे, तो ये आपके गार्डन में बहुत ही सहजता और सरलता से ये रिवाइव कर जाएगा और ये फर्स्ट क्लास चलेगा। फूल इसमें भर भर कर आएंगे दोस्तों, और इसमें 3 से 4 कलर के आपको फूल मिलेंगे इस प्लांट की वैरायटी में। और इसको आपको टाइम टू टाइम पानी देना है, जिससे इसकी जो है खूबसूरती बनी रहेगी। वैसे भी दोस्तों ये फूल एक बार खिलता है तो कम से कम 10 से 15 दिन लगातार खिला रहता है, और छोटे छोटे फूल इसके बहुत ही लुभावने लगते हैं और काफ़ी दिनों तक हमारे गार्डन में ये साथ देते हैं, जिससे हमारे गार्डन की खूबसूरती बनी रहती है। तो दोस्तों अप्रैल मई में इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में और इसको लगाना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत लगता है इसके प्लांट की जो है वेरिएशन। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है मैरी गोल्ड का। दोस्तों जी हाँ, मैरी गोल्ड गेंदा, इसमें कई वेराइटियाँ आ गई हैं, जाफरी और जो है बहुत सारी। तो आप इसको फूल जो आपका खिलता है वो खिलने दीजिए, और जब जैसे ही ये डल होने लगे यानी सूखने लगे तो उसको आप रख लीजिए सीड के लिए। और इसको मैं इस तरह इसको बाद में काट दूंगा इस प्लांट के फूल को, और इसे मैं दूसरे प्लांट बना सकता हूँ। तो दोस्तों गर्मी में प्लांट मैरीगोल्ड के थोड़ा लंबे जाते हैं मगर फूल देते हैं, जबकि विंटर में प्लांट छोटे रहते हैं और फूल ज़्यादा देते हैं। आप इस प्लांट को भी लगाइए इस टेम्परेचर में, ये आपके गार्डन को एडजस्ट करेंगे, सर्वाइव करेंगे। और आपको पानी सुबह शाम देना है, साथ में मिस्टिंग करिए यानी पानी का छिचकारा दीजिए आपको इसके ऊपर देना है। और इसको काउ डंक बहुत पसंद है दोस्तों, इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड करें। अगर आपके पास सीड नहीं है या आप प्लांट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं तो आप गार्डन के लिए अपने इसको नर्सरी से परचेज कर लीजिए। 15 से 20 रुपए में ये आराम से इजीली टू आपको मिल जाएगा आपके करीबी नर्सरी में। तो इस दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, लगाना ना भूलें। ये फूल बना रहता है 10 से 15 दिन एक बार खिलता है, तो बस आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर सनलाइट आपका गार्डन खुला हुआ है तो आप उसके ऊपर नेट वगैरह या किसी चीज़ का जो है सपोर्ट दीजिए, जिससे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और आपके फूल की खूबसूरती बनी रहे बरकरार। तो दोस्तों ये 35 डिग्री टेम्परेचर आराम से एडजस्ट कर लेगा, और सुबह शाम इसको पानी देते रहें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है कॉस्मस का। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत 4 से 5 कलर में आपको ये मिल जाएगा, और इजीली ये ग्रो होता है, सीड द्वारा लग जाता है ये। आप नर्सरी से इसको परचेज करना चाहेंगे तो 15 से 20 रुपये में इसका छोटा जो है बेबी प्लांट मिल जाएगा, फिर उससे आप बड़ा कर सकते हैं, ढेरों प्लांट बना सकते हैं सीड द्वारा। और ये इस गर्मी में आपके गार्डन को सब सजाए रहेगा, संभाले रहेगा। तो इस प्लांट को लगाना ना भूलें, ऐड करिए ज़रूर अपने गार्डन में, फर्स्ट क्लास चलता है ये। और इसकी लाइफ करीब जो है 1.5 दिन की होती है इस फूल की। तो दोस्तों गर्मी में आपके गार्डन को सजाए रखेगा। नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है दोस्तों सनफ्लावर का। दोस्तों इस सनफ्लावर नाम इसलिए इसका रखा गया है क्योंकि इसमें जो है चारों ओर इसकी जो है आग जैसी इसकी जो है पत्तियाँ रहती हैं पीली पीली, जिसकी वजह से ये सनफ्लावर कहा जाता है। दोस्तों इसके सीड बनती है जिससे हम तेल यूज़ करते हैं सनफ्लावर का, आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। और ये तीनों साल के तीनों सीजन इसको जनरेट किया जाता है, रबी खरीफ जायद, और फर्स्ट क्लास ये ग्रो करता है। आप इसकी एक सीड द्वारा जनरेट कर सकते हैं इस प्लांट को, और ये बहुत ही हेल्थी और खूबसूरत होता है फूल, और इसमें 2 से 3 कलर मिल जाएंगे आपको। तो आप इसको ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और हाँ दोस्तों, जैसे जिस प्लांट हो उसका वैसे इसके गमले की साइज़ होनी चाहिए ताकि आपके प्लांट में खूबसूरती बनी रहे। अगला प्लांट है दोस्तों जीनिया का।
दोस्तों इस गर्मी में 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर में आप जिनिया के प्लांट को ज़रूर लगाएं। जिनिया के प्लांट में आपको 6 से 7 कलर मिल जाएंगे इजिली, और इसको जो डिवाइड रूल द्वारा और सीड द्वारा आप इसको जनरेट कर सकते हैं। नियर अबाउट आप अपने नर्सरी से भी इसको खरीद कर ला सकते हैं। ये करीब 30 से 35 रुपये में आपको परचेज हो जाएगा नर्सरी में। तो दोस्तों इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। अगला प्लांट है लिसियंथस प्लांट, इसको समझ लीजिए छोटा गुलाब है, और ये गर्मी में बहुत भर भर कर फूल देता है। इसकी आप टाइम टू टाइम मिस्टिंग करते रहिए, पानी देते रहें, और इसको काऊ डंग बहुत पसंद है। 4 से 5 कलर में आपको ये देखने को मिल जाएगा नॉर्मली। तो इस गर्मी भरे मौसम में 30 से 35 डिग्री में इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें। अगला प्लांट है दोस्तों पर्सलेन। दोस्तों गर्मी में ये प्लांट भी भर भर कर फूल देता है। ये 5 से 6 पत्तियों वाला होता है फूल, और कई कलर के इसमें मिलते हैं आपको, और वेरीगेटेड भी इसमें मिलता है दोस्तों। तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें अपने गर्मी में टेम्परेचर में, तो 35 डिग्री टेम्परेचर में ये आपको भर भर कर फूल देगा। और ये आप इस अप्रैल और मई के महीने में इसको ज़रूर लगाएं। कटिंग द्वारा इजिली ग्रो हो जाता है, सीड से भी ग्रो होता है। अगला प्लांट है दोस्तों विनका, यानी सदाबहार, पेरिंकल भी इसको बोलते हैं। और दोस्तों ये हाइब्रिड देसी दोनों मिलता है, आप सीड द्वारा दोनों जनरेट कर सकते हैं। कटिंग जो है हाइब्रिड की बहुत कम लगती है, मगर देसी की लग जाती है। तो आप कटिंग भी लगाते रहें और अपने गार्डन को भरते रहिए इसके जो है खूबसूरती से। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों ये, इसको आप लगाना ना भूलें। ज़रूर लगाएं इस गर्मी भरे मौसम में 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर में, और अपने गार्डन की खूबसूरती को बनाए रखें। अगला प्लांट है दोस्तों केलोसिया का। दोस्तों इसको कॉक्सकॉम भी बोलते हैं, केलोसिया भी बोलते हैं दोस्तों, और दोनों वेराइटीज़ की बहुत खूबसूरत होती है। इसके 5-7 कलर होते हैं इसमें फूल में, और आपको जो मिले आप वो लगाएं। आप इसको सीड द्वारा ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से आप इसके पौध को परचेज़ कर सकते हैं। 20 से 30 रुपये मिल जाएंगे आपको इसका पौध, और आप इसको अपने घर में सीड कलेक्ट करके भी इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इस टेम्परेचर में ये प्लांट आपके गार्डन को खूबसूरत बनाए रखेगा, फूल भर भर कर देता रहेगा। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं, लगाना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों ये, और फूल देता रहता है पूरे मौसम गर्मी में। तो इसको आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे हमारे पहली बार विज़िट कर रहे हो आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों। कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। अब हमें आज्ञा दीजिए, और हाँ दोस्तों बच्चों को भी मोटिवेट करते रहें, पेड़ पौधे लगाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों, ओके बाय।